हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस, जिसका नाम है भारतीय शासन एवं राजनीति, मतलब इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बताऊँगा जिनकी आपको तैयारी करनी है, और लास्ट में मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताऊँगा कि किस टाइप के इसमें क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। आप विश्वास कीजिए, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट अगर आप इसको एक बार देख लोगे तो पूरी तरीके से समझ जाओगे कि इस पॉलिटिक्स में, ये जो पॉलिटिकल साइंस है आपकी सेकंड सेमेस्टर में, ये कौन सी पॉलिटिक्स है, क्या राजनीति है। ठीक है, तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करूँगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि आपको जो चैप्टर है वो बिल्कुल समझ में आ जाए कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका पूरा कंटेंट है। कुल मिला के जो इसमें यूनिट है वो 8 यूनिट है, मतलब 8 इकाई है इसके अंदर टोटल। तो अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, तो आप पहले यूनिट नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट यूनिट कौन कौन सी है। पहला इकाई 1, यूनिट 1 में से ज़रूर आपका क्वेश्चन बनेगा, इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा इकाई 2, इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद है इकाई 3। इकाई 3 के अंदर आपको 3 है, जैसे संसद, न्यायपालिका, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तो पूछा नहीं जाता, बट संसद और न्यायपालिका में से आपसे एक पूछ सकता है कोई भी सवाल कि न्यायपालिका क्या है, कितने प्रकार की न्यायपालिका हमारे भारत में पाई जाती है। ठीक है, और संसद क्या है। फिर है इकाई 4 के अंदर 3 है, पर इसके अंदर आपको पितृसत्तात्मकता के बारे में ज़रूर पूछेगा, मतलब पुरुष प्रधान के बारे में पूछेगा। ठीक है, इकाई 5 में भी 2 चैप्टर्स है, एक है सेकुलरवाद और सांप्रदायिकता, तो इसमें से एक पूछेगा, यानी आपको दोनों इसमें से करने होंगे। फिर इकाई 6 में भारत में पार्टी और पार्टी सिस्टम, ये मत करके जाना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम मिले तो ही करना, तो इसको आप नोट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। फिर इकाई 7 है स्वतंत्रता के बाद भारत में विकास की रणनीति, मतलब कि जो विकास हुआ कैसे हुआ, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इकाई 8 सामाजिक आंदोलन, ये आपसे पूछा जाएगा, तो 2 को छोड़ के सारे इंपॉर्टेंट है। अब जरा मैं चैप्टर्स वाइज आपको समझा दूँ कि इन चैप्टर्स में ऐसा है क्या, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगी किस टाइप के आपके क्वेश्चन ऑफलाइन एग्जाम में सेकेंड सेमेस्टर में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, इकाई 1 में है भारतीय राजनीति की प्रकृति के अध्ययन के उपागम, मतलब कि जो भारत में जो राजनीति होती है, जो उसकी प्रकृति होती है, उसका अध्ययन किस किस तरह से किया जाता है, मतलब उनकी दृष्टिकोण क्या है। उदारवादी वह मानसिकता होती है जो हमेशा मनुष्य को एक अच्छा प्राणी मानती है। मतलब इसमें इकाई 1 में आपको ये बताना है कि राजनीति को तीनों, जो जैसे उदारवादी, मार्क्सवादी और गांधीवादी, तीनों ने अपने दृष्टिकोण में कैसे देखा। समझो मेरा कहने का मतलब क्या है आपको, कि मतलब राजनीति को, जैसे आपके लिए राजनीति ख़राब है, मेरे लिए मैं कहूँगा कि राजनीति ज़रूरी है। तो ऐसी तीन ये विचार, मतलब एक तरह से थिंकर हैं जिन्होंने राजनीति को अपने दृष्टिकोण से देखा, तो इसी का आपको अध्ययन करना है। ठीक है, जैसे उपागम का मतलब होता है दृष्टिकोण, अध्ययन करना है आपको, उसकी व्याख्या करनी है। जैसे उदारवादी राजनीति को क्या मानते थे, उदारवादी का कहना था कि राजनीति खराब है बट इंसान अच्छा है। मतलब राजनीति क्यों करी जाती है आज के टाइम पे, शक्ति प्राप्त करने के लिए, बट उदारवादी हमेशा इंसान को अच्छा मानते थे, प्राणी एक अच्छा प्राणी है, ठीक है, वो कभी हिंसा नहीं फैला सकता, ऐसा उदारवादी का कहना। उदार का मतलब समझ ही सकते हो क्या होता है, इसको आप अच्छे से पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर अब मार्क्सवादी यानी पूंजीपति, जहाँ भी मार्क्सवादी का नाम आए हमेशा पूंजीपति शब्द ही लगाना। मार्क्सवादी ने हमेशा ये बोला है कि जो राजनीति होती है उसमें हमेशा पूंजीपतियों का राज होता है। मतलब आज सत्ता एक पावरफुल हाथों में है, आप खुद देख लीजिए, क्या आप खड़े हो सकते हो, पार्टी बना सकते हो? देखिए, खड़ा होना मुश्किल, पर पार्टी बनाना बहुत मुश्किल है, क्यों, पूंजी नहीं है आपके। तो मार्क्सवादी ने हमेशा पूंजीवादी को सपोर्ट किया है। ठीक है, अब गांधीवादी का मतलब क्या है, हिंसा ना हो और सत्य है, ये सब गांधीवादी है। तो ये दृष्टिकोण आपको याद करने हैं। आप उदारवादी, मार्क्सवादी, गांधीवादी के बारे में अगर आप कोई भी एक वीडियोज़ देख लोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि तीनों उपागम क्या है, वरना मैं आने वाले टाइम पे इनके एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। अब अभी मैं आपको सब चैप्टर समझा रहा हूं। ठीक है, फिर इकाई 2 है पार्ट 1 में भारत संविधान के आधारभूत तत्व, मतलब जो भारत का संविधान बना उसके आधारभूत तत्व क्या है। जैसे
कई सारी अनुसूची हैं, उसमें भाषा का भी हमें अधिकार मिला, तो कई सारी इसमें आपको पूरा संविधान इसमें आपको पढ़ना होगा, ठीक है। फिर हम मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब आपको पता है मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं अगर उन अधिकारों का अगर आपका हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। मौलिक अधिकार का मतलब क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार है। आप जहाँ जाके पार्टी बना सकते हो, ये आपका मौलिक अधिकार है। आप कुछ भी स्पीच दे तो ये आपका मौलिक अधिकार है। आज आपने देखा होगा कि आप टीवी वगैरह अगर आप देखते होगे कि कई सारे बयानबाजी होती है, तो ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये संविधान ने हमें दे रखा है। अगर किसी दूसरे के द्वारा अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है, मान लीजिए मैं कुछ बोल रहा हूँ और आप कहते हो कि नहीं आप ये नहीं बोल सकते, तो मैं आपके खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में 32 जो आर्टिकल है उसके तहत आपके खिलाफ केस डाल सकता हूँ, और सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ना है कि हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सारे हमारे मौलिक अधिकार है। 6 अधिकार है। पहले संपत्ति का अधिकार हुआ करता था पर इसको हटा दिया गया, ठीक है। अब फिर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? आप एक अच्छे व्यक्ति बनो, अच्छे नागरिक बनो, कानून का पालन करो, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो देखिए ये जो पॉलिटिकल है ना, बहुत ईजी है, अगर आप इसे पढ़ोगे तो और आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में और आसानी के साथ आप समझ भी जाओगे, ठीक है। फिर है इकाई T3 मतलब यूनिट में से, अब प्रधानमंत्री, संसद और न्यायपालिका। अब इन तीनों में से प्रधानमंत्री तो नहीं पूछा जाता, बट संसद और न्यायपालिका तो क्वेश्चन एक ना एक आपको देखने को मिलेगा दोनों में से। या तो संसद के बारे में पूछ लेगा, संसद जब भी आप स्टार्ट करो तो पहले संसद का आर्टिकल बताओ कि किस आर्टिकल में संसद का जिक्र किया गया है, संसद कैसे बनती है, संसद के अंदर कितने पार्ट होते हैं, जैसे विधानसभा, लोकसभा और फिर राष्ट्रपति, ये संसद के पार्ट है। कानून कैसे बनाती है, कैसे क्या क्या नियम फॉलो होते हैं, कैसे मतलब आप सबको बताएं, संसद ही सबसे बड़ी है, संसद में ही कानून बनता है, देन फिर उसके राष्ट्रपति साइन करता है, तो ये सारे संसद का ही भाग है, ठीक है। तो संसद के बारे में आपको बताया। फिर न्यायपालिका, न्यायपालिका तीन तरह की है, हाई कोर्ट मिडल है, उसके नीचे फिर जिला कोर्ट, फिर सबसे उच्च आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये न्यायपालिका तीनों के आपको आर्टिकल बताने हैं, इनकी स्थापना कब हुई, इनको बनाने का मकसद क्या था, और ये किन किन हितों की रक्षा करते हैं, इनका मकसद क्या है, ठीक है। तो ये आपको सारा बताना है न्यायपालिका के अंदर, ठीक है। उसके बाद इकाई 4 है, 2 इसमें चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे भारत में शक्ति संरचना जाति के संदर्भ में। अब अगर मैं भारत में शक्ति संरचना की बात करूँ तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। देखिए 10 क्वेश्चन आएंगे तो ये ऑप्शनल हो सकता है, अगर आपको नहीं आएगा तो मैं समझा देता हूँ। भारत में शक्ति की संरचना है क्या, देखिए जाति के संदर्भ में, अगर मैं जाति के संदर्भ में बात करूँ तो भारत के अंदर आप देख सकते हो मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, ये सब जाति है, ठीक है, कास्ट है। तो अगर मैं शक्ति की संरचना की बात करूँ, जहाँ आप देखिए कोई एरिया है वहाँ अगर हिंदू ज़्यादा है तो वहाँ किसकी ताकत ज़्यादा रहेगी, हिंदू की ज़्यादा रहेगी। तो इसी के बारे में आपको बता रहे हैं, जो अब हमारे यहाँ भारत में जो शक्ति की संरचना होती है, जैसे कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मोंडन ज़्यादा हैं, चाहे हिंदू ज़्यादा हैं, चाहे बौद्ध ज़्यादा है, उनके बारे में आपको बताना है कि किस तरीके से संघर्ष होता है, मतलब आपको इसे बना बनू के आप आराम से लिख सकते हो अगर आप इसे थोड़ा रिसर्च करोगे। उसके बाद है भारत में शक्ति संरचना वर्ग। अब वर्ग क्या होता है, वर्ग आपको पता होगा, जैसे ब्राह्मण हो गया, शूद्र, ये सारे वर्ग होते हैं, तो इनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तीसरा है पितृसत्तात्मकता, ये आपको जरूर करके जाना है, ये आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। पितृसत्तात्मक का मतलब है पुरुष प्रधान, मतलब कि आज के समाज में जो पुरुष है वो ही परिवार का प्रधान है। मतलब कि आज आप देख सकते हो कि जो आपके घर घर में, मैं आपको बता देता हूँ, आपके घर में आपके पिता हैं, आपके फादर है, वो ही घर घर चलाते हैं, ठीक है, वो ही पैसा कमाते हैं और उन्हीं की ही बात पूरे घर में मानी जाती है, तो पुरुष प्रधान इसी को कहा गया है। और पितृसत्तात्मकता की अगर मैं बात करूँ तो हमारा समाज भी पुरुष प्रधान को ही मानता है, एक्सेप्ट करता है। तो पुरुष प्रधान की वजह से आज महिलाओं के अधिकार कम हुए, आज आप देख सकते हो महिलाओं को बाहर नहीं जाने दिया जाता, कहीं कहीं जॉब करने से मना किया जाता है, पुरुष चाहे तो रात भर कहीं भी रह सकते हैं, उनको पूरे अधिकार। तो इसी के बारे में आपको लिखना है कि पितृसत्तात्मकता होती क्या है, इसमें समाज में क्या फ़र्क, मतलब क्या प्रभाव पड़ा, क्या मतलब सारी आलोचना भी करनी है, उनके बारे में भी बताना है। बहुत ईजी, अगर सब आप अपने शब्दों में भी बना दोगे, थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में पढ़ लेना बस, ठीक है। फिर इकाई 5 में सेकुलरवाद, विचार विमर्श
और सांप्रदायिकता पर विचार विमर्श। अगर मैं सेकुलरवाद की बात करूँ, भारत एक सेकुलरवाद है, यहाँ धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ हर जाति का आदमी आपको मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हो तो आपको ज़्यादा कुछ सुविधा मिलेगी या मॉन्डन है तो आपको ज़्यादा सुविधा मिलेगी, तो इसके बारे में आपको बताना है, इसके बारे में विचार विमर्श करना है। तो थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पढ़ जरूर जाना, ये 10 में से आपको मिल जरूर जाएगा, करने तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। फिर है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता होती क्या है? हिंसा। सांप्रदायिकता का मतलब है हिंसा, मतलब कि आप देख सकते हो सांप्रदायिकता दंगे होते हैं, मतलब ऐसे सांप्रदायिकता का मतलब है जैसे कोई ऐसा आंदोलन जो एक ही जाति और धर्म पे होता है। आप इस पर पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा। इकाई 6 में है, भारत में पार्टी और पार्टी सिस्टम। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2014-15-16 में पूछा गया था, फिर उसके बाद नहीं पूछा गया। तो भारत में अगर मैं पार्टी सिस्टम की बात की, पार्टी सिस्टम तो आपको इसमें बताना है कि भारत में जो ये जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, RJD, इनके बारे में आपको बताना है, इनका उदय कैसे हुआ और ये किस तरीके से अपना कार्य करती है, वोट मांगती है, आपको सभी को पता होगा, एक चुनाव का हिस्सा बनती है, हम इनको चुनते हैं, हम इनको संसद भेजते हैं, किसी को विधानसभा भेजते हैं, तो ये आपको बताना है पार्टी सिस्टम भारत में एक्चुअली है क्या। इकाई 7 में है, स्वतंत्रता के बाद से भारत में विकास की रणनीति, मतलब कि जो रणनीति है स्वतंत्रता के बाद, वैसे ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद जब हमारा विकास हुआ उसकी रणनीति क्या क्या थी, हमने क्या क्या ऐसी चीज़ अपनाई जिससे अर्थव्यवस्था में एकदम उछाल आया। देखिए जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत बहुत ही गरीब देश था, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अंग्रेज लूट के चले गए थे, भारत के पास बहुत खस्ता हालत थी। तो उस समय क्या हुआ था, उस समय ना तो भारत में इतनी शिक्षा थी ना कुछ था, तो भारत में कुछ ऐसे योजनाएं लाई गई जैसे पंचायत हो गई, आप देख सकते हैं गाँव में पंचायत है, शहरों में नगर निगम की सुविधा है, और फिर उसके बाद आपका LPG लाई गई 1991 में, LPG आप पढ़ लेना समझ में आ जाएगा, उदारीकरण, वैश्वीकरण, जिससे क्या हुआ भारत की अर्थव्यवस्था में उछाल आया। तो ये सारी योजनाओं के बारे में आपको बताना है, ठीक है। फिर इकाई 8 में सामाजिक आंदोलन। देखिए अगर मैं सामाजिक आंदोलन की बात करूँ, सामाजिक आंदोलन वह आंदोलन होते हैं जो समाज के लिए, समाज के हित के लिए चलाए जाते हैं, इसमें कोई भी आंदोलन हो सकता है, जैसे किसान आंदोलन हो गया, महिला आंदोलन हो गया, पर्यावरण आंदोलन हो गया, पानी बचाओ आंदोलन हो गया, तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे चिपको आंदोलन था, चिपको आंदोलन क्या था, जो पेड़ को काटने से महिलाएं पेड़ पे चिपक गई थी, पेड़ को बचाने के लिए, तो वो एक सामाजिक आंदोलन था, एक पर्यावरण आंदोलन था। तो सामाजिक आंदोलन के अंदर ये सब आते हैं, महिला आंदोलन, महिलाओं की हक की बात करें तो महिला आंदोलन होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनेंगे, और ऐसे चैप्टर से मैंने आपको समझा दिया है, बट अगर इसमें से अगर आपको कोई भी यूनिट हार्ड लगती है तो मुझे बता देना, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। अब जरा मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं कि एग्ज़ाम पैटर्न इसका कैसा है कैसा नहीं है। तो देखिए ये है आपका एग्ज़ाम पैटर्न, मतलब क्वेश्चन पेपर है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का, BA प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस CBCS का, ठीक है। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 75 नंबर का पेपर होगा कुल मिला के, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से आप किसी भी एक लैंग्वेज में कर सकते हो। अब मैं जरा आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, सिर्फ 4 करने होंगे इसमें आपको पॉलिटिकल में, तो क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसा मैंने अभी आपको समझाया था। पहला क्वेश्चन है भारतीय राजनीति के अध्ययन के गांधीवादी एवं मार्क्सवादी दृष्टिकोणों में तुलना एवं अंतर बताइए। देखिए पहले तो आपको गांधीवादी की दृष्टिकोण के बारे में बताना है कि गांधीवादी क्या मानते थे राजनीति के अध्ययन में, फिर मार्क्सवादी, फिर उसकी आपको तुलना करनी है और अंतर बताने। जब आप दोनों पढ़ लोगे ना तो आराम से सारणी बना के आराम से आप कर सकते हो। यही सवाल, ये क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा पहले क्वेश्चन में, या पूछ लेगा उदारवादी और मार्क्सवादी क्या है, तो यही आपको मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 3 में स्थापित स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपके उससे आया है, राइट टू फ्रीडम, मतलब मौलिक अधिकार में से, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 में स्थापित स्वतंत्रता के अधिकार का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, मतलब जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है उसकी आपको आलोचना करनी है। देखिए अगर मैं आलोचना की बात करूँ, आज किसी भी व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए कि वो किसी के लिए खतरा बन जाए। मान लीजिए अगर हम किसी एक व्यक्ति को, मान लीजिए उसका अधिकार है कि वो स्वतंत्र है, वो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, बट अगर वो इतना स्वतंत्र है कि कल को किसी का मर्डर कर दे और वो कह दे कोर्ट में जाके कि मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये तो गलत है। तो मतलब स्वतंत्रता का मतलब ये है कि किसी को, मतलब बिना किसी की हानि पहुंचाए आप अपना विकास करें, इसी को ही स्वतंत्रता का अधिकार कहा गया है। तो इसकी आपको आलोचना करनी है कि क्या क्या आलोचना आपको बतानी है कि क्या क्या हो सकता है अगर किसी व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता दी जाए, है ना, ये आपको बताना है।
तीसरा क्वेश्चन है भारतीय संसद की बदलती प्रकृति। देखिए संसद वाला मैं बोल रहा था ना क्वेश्चन आपको पूछेगा, ये कुछ नहीं घुमाया गया, इसमें पूछा गया कि संसद है क्या, संसद के बारे में पूरा लिख देना A to Z, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चौथा है जाति की, जाति का राजनीतिकरण क्या है। आप देखिए जाति का राजनीतिकरण क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जाति की अगर मैं बात करूँ, यूपी आप चले जाइए, यूपी में बहुजन समाज पार्टी आप जानते होंगे, मायावती की पार्टी है, वो एक जाति पे वोट लेती है, जैसे आप SC वाले, तो यही राजनीतिकरण है। मान लीजिए कल को वो उन इलाकों में उन कैंडिडेट को उतारेगी जहाँ पे SC ज़्यादा है, तो यही राजनीतिकरण है, समझ रहे हो। ये आप अपने शब्दों में आराम से लिख सकते हो। भारतीय राजनीति को इसने किस प्रकार प्रभावित किया, देखिए इसने भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया वो मैं आपको बता दूँ। इससे ये प्रभाव हुआ है कि आज जो नेता जहाँ बहुल होते हैं, मान लीजिए किसी इलाके में मोंडन्स है, हिंदू है, तो वहाँ वही उम्मीदवार जीतेगा, तो कुछ लोगों में ये बात फैल जाती है कि ये हमारी नहीं सुनेंगे, तो ये प्रभाव फैला है, ठीक है। और वो जो लोग हैं जो उसी जाति के जीते हुए जो मंत्री बने हैं, वो उन्हीं के लिए स्कीम बनाएगा, जो उन्हीं के लिए कुछ ऐसी योजनाएं बनाएगा जो सिर्फ उन्हीं जाति के लिए है, बट उन लोगों को अवॉइड कर देगा जो उस जाति के नहीं है, तो ये प्रभाव पड़ा है। तो ये आराम से आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। पांचवा क्वेश्चन है भारत में धर्मनिरपेक्षता कह रहा था ना मैं, कि मतलब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। संबंधित वाद विवादों का आलोचनात्मक, इसमें भी आपको आलोचना करनी है कि जो धर्मनिरपेक्षता के हम इतने बड़े बड़े बातें करते हैं, आज के टाइम आप देख ही सकते हो क्या माहौल है इंडिया का, उसी के ऊपर वाद विवाद आपको बताने, कोई ऐसा विवाद बताना है जो हाल फिलहाल हुआ हो। आप महाराष्ट्र उठा के देख लीजिए, आप UP उठा के देख लीजिए, या तो आप अपने शब्दों में बना सकते हो। देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये करंट में ही पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो करंट में जो भारत में हो रहा होगा ये आपसे वही पूछ लेगा। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप न्यूज़ वगैरह देखा कीजिए, जिससे आप अपडेट रहे, कनेक्ट रहे, ठीक है। छठा है आपका विकास की नेहरूवादी रणनीति की व्याख्या कीजिए। जो नेहरू थे, मतलब जो नेहरू जी थे, उन्होंने विकास के लिए क्या क्या सूत्र दिए, क्या क्या ऐसा काम किया जिससे विकास भारत में हुआ, तो आप लिख लेना, वैसे इम्पोर्टेंट इतना है नहीं, ठीक है। फिर सातवां है भारत में पर्यावरण आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। ये आगे आपका सामाजिक आंदोलन में से, पर्यावरण आंदोलन पर एक निबंध लिखना है। कोई भी पर्यावरण आंदोलन एक उठा लेना, जैसे चिपको उठा लेना और आपका नर्मदा बचाओ हो गया, ये सब पर्यावरण के अंदर ही आता है, ठीक है। तो कोई भी एक आंदोलन उठा के 2-3 पेज में लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। फिर आठवां होगा टिप्पणी आ जाएगी, मतलब 4, 8 में से 4 आपको करने होंगे। टिप्पणी मतलब इसे शॉर्ट नोट लिखने होंगे, जैसे कि 2 करने होंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या है वो आपको बतानी है। फिर है न्यायिक पूर्ण विलोकन, ठीक है। फिर है पितृसत्ता, देखिए पितृसत्ता में बता रहा था ना, ये आपको करना ही करना है। बाद में किसान आंदोलन, ये भी सामाजिक आंदोलन में से आ गया। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखिए भारत में किसान आंदोलन की अगर मैं बात करूँ, तो अभी करंट में आंदोलन हुआ है 3 कृषि कानून बिल के लेकर हुआ है, आपको सभी को पता होगा, जो सरकार ने 1 साल बाद वापस भी ले लिए। अगर आप इसको कर लोगे ना, तो आप सही बता रहा हूँ, एग्जामिनर भी समझेगा, हाँ भाई ये बच्चा पढ़ता है। अगर भारत में किसान आंदोलन के बारे में पूछे, तो ये वाला जरूर लिख के आना, पुराना मत लिखना है जो करंट में हुआ, ये जरूर लिख देना कि कैसे किसान सड़कों पर आ गए थे, धूप में थे, कैसे आंदोलन कर रहे थे, कई किसानों की मौत भी हुई इन किसी कानूनों के ऊपर, भी किसी कानून के बारे में बताना कि उनमें क्या क्या था। तो ये करंट है, इसीलिए मैं कहता हूँ स्टूडेंट को हर चीज़ देखनी चाहिए, अगर वो पॉलिटिकल साइंस अगर उसके पास है तो। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी इतना हार्ड पेपर नहीं आएगा, इससे ईजी बनाएगा वो, ठीक है। बाकी वीडियो कैसे लेगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मुझे लगता है इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आपके BA प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस सेकेंड सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।